पंजाब हरियाणा की तरह भयंकर गर्मी से झुलस रहे हिमाचल प्रदेश को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश के आसार जताए हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऊना में सोमवार को अधिकतम पारा 44 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शिमला में बीते 10 साल में सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड किया गया है। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 मई से लेकर 2 जून तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। इसी तरह मध्य पर्वतीय और मैदानी इलाकों में 30 मई और 1 जून को बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर सुरेंद्र पोल ने बताया कि बीते 48 घंटे में 6 जिलों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। प्रदेश में भी हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटे में बढ़ते तापमान से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। कुछ क्षेत्रों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों में प्रदेश में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। देखिए, पिछले 48 आवर्स में प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव कंडीशन चल रही है। उसमें मुख्य तौर पर 6 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 4 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास है और 3 जिले जिला बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी, यहाँ पे तापमान 6 डिग्री के आसपास क्रॉस कर चुका है सामान्य से। तो कुल मिला के प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है और ये जो है अगले 48 आवर्स में अगले 48 घंटे कम से कम इस तरह की कंडीशन बनी रहेंगी। कई एरियाज में, कई जिलों में हीट वेव की जो कंडीशन प्रवेल करेगी और कुछ जिलों में जो है सीवियर हीट वेव, जैसे हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है उसमें बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी मुख्य तौर पर, यहाँ पर सीवियर हीट वेव की चांसेस भी हैं। जहाँ तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात है उसमें सिगना जिला ऐसा है जहाँ पिछले कई सालों के, जैसे ये जो टेम्परेचर पिछले कल रिकॉर्ड किया गया 30.6, इससे पहले 2014 में भी 31 मई 2014 को भी इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और इससे पहले रहा है 31.7 जो है, ये जो है 26 मई 2004 को इससे भी ज़्यादा था। और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है शिमला का 32.4 ऑल टाइम है और 27 मई 2010 का है। तो कुल मिला के ये जो टेम्परेचर रहा है पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रहा है शिमला का। लेकिन बाकी जो जगह हैं वहाँ, जैसे ऊना में हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया कल पिछले का, तो 44.4 था। लेकिन ऐसे टेम्परेचर जो हैं पिछले कई सालों में ऊना में देखने को मिला। अभी 48 आवर्स तो अलर्ट्स हैं हमारे, ऑरेंज अलर्ट हमने दिया हुआ है, हीट वेव और सीवियर हीट वेव कंडीशन चलेंगी। लेकिन उसके बाद 28 के बाद एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है 29 और 30 में, उससे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है और तापमान में भी मुझे लग रहा है कि कमी आएगी और जो ये हीट वेव कंडीशन है इससे भी राहत मिलेगी। अब जिस तरह से जंगलों में भी आग लगी रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो तापमान बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, ये बड़ा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर तापमान एक्चुअली डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं और आग को बढ़ने में वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं है कि अपने आप आग उससे लग जाए, लेकिन ये होता है कि ह्यूमिडिटी और कम होती है और तापमान ज़्यादा होते हैं तो जनरली ऐसे इंसिडेंट होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।